गुड मॉर्निंग दोस्तों, SBI सिक्योरिटीज़ के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में क्या प्लान कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट्स को देख लेते हैं। दोस्तों, सोमवार को US इंडाइसेस मिक्स रिजल्ट के साथ क्लोज हुए, जहाँ इन्वेस्टर्स फेडरल रिजर्व के मॉनिटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट से पहले कॉशियस थे। डाउ जोन्स ने 0.55% का फ़ायदा उठाया और ऑल टाइम हाई टच किया, जबकि नैसडैक 0.52% गिर गया। S&P 500 ने 0.13% का छोटा गेन किया है। दोस्तों, आगे चलकर S&P 500 अपने अपवर्ड मूवमेंट को जारी रखते हुए शॉर्ट टर्म में 5700 का लेवल टेस्ट कर सकता है। नीचे की तरफ देखें तो सपोर्ट 5600 और 5580 के लेवल में शिफ्ट हो चुका है। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रेंट ऑयल के बारे में। ब्रेंट ऑयल ने अपने पुलबैक रैली को कंटिन्यू रखा और $72.59 के लेवल पर क्लोज हुआ। रीसेंट लो से लगभग 6% तक सर्ज हो चुका है, लेकिन अभी भी शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, US डॉलर इंडेक्स तीसरी बार लगातार नीचे क्लोज हुआ। आगे अगर 100.5 के लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म में 99.8 तक गिरावट देखने को मिल सकती है। दोस्तों, हमने बात की ग्लोबल मार्केट्स की, ब्रेंट ऑयल और US डॉलर इंडेक्स की। अब हम इंडियन मार्केट पे आते हैं और बात करते हैं निफ्टी के बारे में। दोस्तों, सोमवार को निफ्टी इंडेक्स ने 109 पॉइंट का नैरो रेंज देखा, जो पिछले 9 सेशन से सबसे छोटा डेली रेंज था। इस प्राइस एक्शन ने NR7 पैटर्न बनाया, साथ ही एक हाई वेव टाइप कैंडल भी बनी है। दोस्तों, ये पैटर्न कम वोलेटिलिटी और मार्केट कंप्रेशन को दिखाता है। 30 मिनट चार्ट पर बोलिंजर बैंड्स में भी कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है, जो लो वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है। ऐसे कंडीशंस के बाद अक्सर एक शार्प वोलेटिलिटी राइज देखने को मिलती है, जो एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट का सिग्नल है। अगले एक दो ट्रेडिंग सेशंस में एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों, लेवल्स के बारे में बात करें तो 25,430 और 25,450 का जोन इंडेक्स के लिए इमीडिएट हर्डल बनेगा। अगर ये लेवल सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म में शार्प अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है, जो 25,540 तक जा सकती है और उसके बाद 25,650 तक। दोस्तों, नीचे की तरफ बात करें तो 25,300 और 25,280 का जोन इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। दोस्तों, डेरिवेटिव फ्रंट पर सितंबर फ्यूचर्स 0.28% से बड़े हैं और करंट नेक्स्ट और फार सीरीज का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 2.04% कम हुआ है। दोस्तों, निफ्टी में 13 स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्टअप हुआ है और 14 स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग रैली देखी गई, जबकि 13 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें शॉर्ट बिल्टअप हुआ है और 10 स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। दोस्तों, 25,400 स्ट्राइक पर सिग्निफिकेंट कॉल ओपन इंटरेस्ट है और उसके बाद 25,500 के स्ट्राइक पर है। पुट साइड को देखें तो 25,300 पर स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट है और उसके बाद 25,200 के स्ट्राइक पर है। दोस्तों, वीकली सीरीज के लिए OIPCR 0.99 पर है, जबकि सितंबर मंथली सीरीज के लिए OIPCR जो है 1.62 पर है। दोस्तों, हमने बात की निफ्टी की, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। दोस्तों, सोमवार को बैंक निफ्टी ने फ्रंटलाइन इंडेक्सेस से अच्छा परफॉर्म किया और जुलाई 2024 के बाद पहली बार 52,100 लेवल के ऊपर क्लोज हुआ। डेली चार्ट पर एक बुलिश कैंडल बनी, जो ट्रेंड में स्ट्रेंथ को दिखाती है। डेली RSI 60 मार्क के ऊपर बढ़ रहा है, जो पॉजिटिव मोमेंटम को रीइन्फोर्स कर रहा है। दोस्तों, आगे चलकर ये इंडेक्स अपने अपवर्ड मूवमेंट को कंटिन्यू करते हुए 52,500 का लेवल टेस्ट कर सकता है और उसके बाद 52,900 तक जा सकता है। नीचे की तरफ देखें तो सपोर्ट 52,000 और 51,950 के जोन में शिफ्ट हो चुका है। दोस्तों, डेरिवेटिव फ्रंट पर सितंबर फ्यूचर्स 0.64% से बड़े हैं और क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 3.06% से कम हुआ है, जो शॉर्ट कवरिंग रैली को इंडिकेट करता है। दोस्तों, 52,200 स्ट्राइक पर सिग्निफिकेंट कॉल ओपन इंटरेस्ट है, उसके बाद 52,500 स्ट्राइक पर भी इंटरेस्ट है। पुट साइड को देखें तो 52,000 पर स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट है, उसके बाद 51,800 स्ट्राइक पर है। दोस्तों, वीकली सीरीज के लिए OIPCR 1.25 है, जबकि सितंबर मंथली सीरीज के लिए OIPCR 0.86 पर है। दोस्तों, अब बात करेंगे इंडिया विक्स के बारे में। तीसरी बार लगातार वोलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स ने नेगेटिव नोट पर क्लोज किया। ये अपने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो एक बेरिश ट्रेंड को दिखाता है। इस करेक्शन का मतलब है कि मार्केट में रिस्क ऑन एनवायरनमेंट है और पार्टिसिपेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। दोस्तों, अब बात करेंगे ऐसे कुछ सेक्टर्स की जिस पर आपको फोकस करना चाहिए।
टेक्निकली निफ्टी बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर और निफ्टी आईटी शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्मेंस जारी रख सकते हैं। वही दूसरी तरफ निफ्टी ऑयल एंड गैस शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं FII/DII डेटा के बारे में। FIIs ने 1634.98 करोड़ की बिकवाली की है जबकि DIIs ने 754.09 करोड़ की खरीदारी की। दोस्तों FIIs का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए 67.82 पर है क्योंकि नेट बेसिस पर उन्होंने 4141 इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं। दोस्तों स्टॉक फ्यूचर्स फंड पर FIIs ने 55,086 कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं जबकि ऑप्शंस फंड पर FIIs ने 103,164 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स और 155,942 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं। तो दोस्तों आज के पॉडकास्ट में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।